لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. मैं ये कर रहा था, देखो मेरे भाई, अगर अल्लाह ने आप में कोई अच्छी बात रखी है, किसी नेकी की तौफीक दी है, तो उसका भी इस्तेहजार करना चाहिए। इस्तेहजार का मतलब उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, इसकी हम कदर करें, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये ना देखें सब रोजे रख रहे हैं तो हमने रख लिया तो क्या हो गया, भाई सबका नहीं पता, हम तो नालायक हैं यार, सब तो बहुत नेक हैं, वो तो रख सकते हैं, हम जैसे नालायक को अल्लाह ने तौफीक, मेरा जो अल्लाह से मामला है मुझे क्या पता आपका क्या मामला है, मैं तो अपना मामला देखूंगा। तो हमारे नबी अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे, रहबगमा प्यास चली गई, वब्तलतिल उरूक रगें तर हो गई, वसबतल अजरु इंशा अल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो अजर हमारे आमाल में लिख दिया गया, अजर लिख दिया गया है। तो इससे इंसान को अगले दिन दोबारा रोजा रखने का हौसला मिलता है। और गुनाह में उल्टा, थोड़ी देर की लज्जत, यहां से बात शुरू हुई थी कि जवानी में भी ये लज्जतें अगर आपने कंट्रोल नहीं किया ना तो बुढ़ापे में ये लज्जतें बढ़ेंगी, मगर गुनाह करने की ताकत क्या हो जाएगी, खत्म। तो हसरत, अफसोस, टेंशन वाली जिंदगी। तो इसलिए जवानी में अपने आप को नेकी का आदि बना लो, इससे बुढ़ापा बड़ा खानदानी गुजरेगा, अल्लाह अल्लाह की बुढ़ापे में तौफीक मिलेगी। जवानी में तस्बीह की आदत डाल लो, समझते हो, नहीं आ रही समझ में, जवानी में क्या आदत डाल लो, तस्बीह की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही है बुखारी की आखिरी हदीस, कलीमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। दो कलिमात जबान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी, और रहमान को बहुत महबूब। एक सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, दूसरा सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये आपने अगर जवानी में अपने आप को जिक्र का आदि बना दिया, बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरे। हमारी मस्जिद में एक बुजुर्ग हैं, पाबंदी से तरावी पढ़ते हैं। आज फजर में पता चला कि रोजाना 20 पारे तिलावत का मामूल है। मेरा ख्याल है 70 साल उम्र तो होगी, 70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं, 20। क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती, ये आदत कब से पड़ी हुई होती है? जवानी, जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय, बोलो, वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या चंद सालों के बाद सेहत इजाजत ना दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा, और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा, शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया, तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। जैसे किसी ने हमेशा रमजान में रोजे रखे हो, बुढ़ापा आ गया, शुगर बीमारियों की वजह से रोजा नहीं रख पा रहा, तो अब ये थोड़ी कि अल्लाह उसका अजर जाया करेंगे, अल्लाह कहेंगे तूने हमेशा रखे हैं, अब मजबूर है तो मैं तेरे अमाल में रोजे लिखता चला जाऊंगा। तो आज आपने अपने आप को मेरे भाई अल्लाह का थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो, मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता, तो वहशत ना पैदा, थोड़ा कर लो, आज थोड़ा करोगे कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कलिमात अहब्बू इल्लल्लाह मिम्मा तलअतिश शम्स औ कमा قال صلى الله عليه وسلم, सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, अल्लाह की आप हम्दो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें, अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है, बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता, फिर उसको वो उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चर्स की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना, तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान हो, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी, तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले।
इससे क्या होगा, अभी शायद दिल ना लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू हो जाए। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह को याद करके गुजरेगा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हुए, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला खेल, तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला, नोकिया में आता था सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते हैं यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता, हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम, हमारे तो काम नहीं निपटते। जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही, और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरी का जरिया बने तो भी ठीक है, गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो, ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते हैं बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर रहा है, समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो तहज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है, कोई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है, आप जाएं वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें 5-6 बुढ़ी बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही है, ताश खेल रही है। कह रहे मुझे याद आया यार एक हमारी बूढ़ी है, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं, और एक ही बुढ़िया हैं, बुढ़िया हैं और क्या खेल रही हैं, ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये, हमारे बूढ़े को देखो आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रखो, जो ताश खेल रही हो बैठ के उस बुढ़ी से दिल चाहेगा, उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले, थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में थोड़े दिनों में कि एक पत्ते के बजाय दो दो गिर रहे होंगे, दो पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो, तमाम दवाएं बच्चों की बहुत से दूर रखो।